हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी मन में कभी सवाल आया है कि हम जो घर के अंदर कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल में ही क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते, जबकि सीरीज में कनेक्शन होते हैं फिर भी हम पैरेलल में ही करते हैं। आज उसी चीज को देखते हुए हम सीरीज में कनेक्शन करके देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन करे हैं। ये कंटिन्यू सीरीज के अंदर है, यहाँ से हम फेज देंगे और यहाँ से होते हुए ये फेज एक के अंदर, फिर दूसरे में और तीसरे और चौथे होल्डर के अंदर ऐसे कंटिन्यू आ रहा है। और यहाँ पे ब्लैक तार यहाँ पे हो गया न्यूट्रल का। अब हम इसमें सप्लाई देके और बल्ब लगा के देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और मैंने वीडियो में दिखा दिया है आपको किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं, और यहाँ सप्लाईमेंट दे दिए इनको। अब इसमें हम बल्ब लगा के देखते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्यों हम जो है सीरीज कनेक्शन नहीं करते, कारण आखिर क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने चार बल्ब इंस्टॉल किए हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे पहला जो बल्ब है वो 60 वाट का है, दूसरा भी 60 और तीसरा 60, और चौथा जो बल्ब है मेरे पास वो 100 वाट का है। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि एक ही पाथ होने के कारण, एक ही रास्ता होने के कारण यहाँ पे पहले बल्ब के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, फिर जो बाकी बच रही है वोल्टेज वो सेकंड बल्ब के अंदर जा रही है, और सेकंड बल्ब से जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो ड्रॉप होने के बाद जितनी वोल्टेज बच रही है वो जा रही है तीसरे में, और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, जो कम वाटेज वाला होगा कोई भी उपकरण होगा वो तो अधिक जलेगा या अधिक तेज चलेगा, और जो कम ज्यादा वाटेज के होंगे वो धीमे चलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 100 वाट का बल्ब है, तो इसमें वाटेज ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ये बहुत ही धीरे जल रहा है, और यहाँ पे ये 60 वाट का लैंप है, इसकी वाटेज कम होने के कारण ये बहुत ही तेज जल रहा है। यहाँ पे श्रेणी कनेक्शन में होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर एक भी, यहाँ पे मेरे पास चार लैंप है, अगर चारों में से कोई एक लैंप खराब भी हो जाता है तो यहाँ पे पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कोई सा भी एक लैंप हटा के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये लैंप हटाया पूरा सर्किट बंद हो गया है मेरा यहाँ पे। इसी वजह से हम यहाँ पे सीरीज के अंदर कभी भी कनेक्शन नहीं करते, और जैसे ही मैं यहाँ पे वापस ये इंस्टॉल करूंगा मेरा पूरा सर्किट वापस से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई सा भी उपकरण हटा लो फ्रेंड्स, आप जो भी उपकरण हटाओगे पूरा सर्किट के अंदर लाइफ ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे सीरीज कनेक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर जैसे मेरे को ये वाला लैंप बंद करना है तो इस लैंप को बंद करूंगा तो मेरा पूरा सर्किट ही बंद हो जाता है, तो इस वजह से हम इसका कनेक्शन नहीं करते। समांतर में ऐसा नहीं होता, समांतर में हम जिसको चाहे उस उपकरण को बंद कर सकते हैं, उस लाइट को बंद कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी लाइट है या फैन है कोई भी उपकरण है उस पर हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पर इस सीरीज कनेक्शन के अंदर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखा फ्रेंड्स आपने, क्यों हम सीरीज कनेक्शन ना करके हमारे घरों के अंदर समांतर कनेक्शन करते हैं। तो इसी तरीके के प्रैक्टिकल आपके लिए और लाते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया प्रैक्टिकल आपके लिए होगा। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर से मेरे को कमेंट करें, मैं उसको प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाने की कोशिश आपको जरूर से जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।